गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इन दिस लेसन वी रीड अबाउट द निषाद एंड माया। निषाद इज अ बॉय हु इज एवरी वन कॉल्ड हिम 7 एंड माया इज 10 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। बोथ आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नाथ हु इज अ पेशेंट ऑफ हिज mother, a doctor. In this way they put all the thoughts about Mr. Nath. He is a crook or not. They find out all the facts about Mr. Nath. हमने इस लेसन में इतना ही पढ़ा था। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। पेज नंबर 89। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैंने बड़े काले शब्दों में लिखा। कैचिंग अ क्रूक, एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। कुशल जासूस, पूरी दुनिया में अधिकार प्राप्त निषाद और माया पंडित। देन अपॉइंटमेंट टू यहाँ पर होगा अधिकार प्राप्त, पूरी दुनिया में अधिकार प्राप्त निषाद और माया पंडित। देन आई बिगिन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू किया। यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम? माया के लिए। अबाउट हाफ एन आर, आधा घंटे बाद। आई टर्न्ड टूवर्ड्स 7, मैं 7 की ओर मुड़ी। हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, पाम्स और उसने अपने हथेलियों पर अपनी चिन मीन्स ठोड़ी को टिका रखा था। रीडिंग कॉमिक्स और कॉमिक्स पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हीयर वट आई हैव रिटन, सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने सवालिया नज़रों से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, मैंने उन सब फैक्ट्स की बातों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। मिस्टर नाथ के बारे में, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हमें उसे पकड़ने में मदद करेगी। आई सेड, मैंने कहा। वांट टू हीयर, सुनना चाहते हो। 7 नोडेड, 7 ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, पहला तथ्य। आई रीड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, और हमें उसके पहले नाम को डिस्कवर करना है, उसका पता लगाना है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। दैट्स हिज रियल नेम, यह उसका असली नाम है। माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलायस, बहुत सारे अपराधियों का एक उपनाम होता है। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ, और मैंने नाथ के बाद में एक लंबा क्वेश्चन मार्क को ऐड किया। फैक्ट नंबर 2, दूसरा तथ्य। आई रीड ऑन, मैंने पढ़ा। द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। टीनेंट्स यानी कि जो किराएदार हैं शंकर हाउस के, वे कहते हैं ही इज मैड, कि वह पागल है, अजनबी है और अनफ्रेंडली और अमित्र है। नंबर 3, ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, और वह किसी से बात नहीं करता। एंड इज मैनरलेस और बदतमीज है। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वह हमसे बातें करता है। माया, एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट, और मम्मी कहती है कि वह बहुत ज़्यादा पोलाइट है, विनर में है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने उसे रोकते हुए कहा। ही ओनली टॉक्ड टू अस, वह हमसे बात करना चाहता है। बिकॉज ही हैड
टू, उसने हमसे बात की क्योंकि वह चाहता था। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट, और वह ममा के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए था, ही हैड टू बी पोलाइट, इसलिए उसे विनम्र होना पड़ा। फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, उसे कोई भी लेटर प्राप्त, उसके पास कोई भी लेटर नहीं आता। सेवन नोडेड, सेवन ने सिर हिलाया। नंबर फाइव, ही इज बीन लेइंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन वन ईयर, मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। नंबर फाइव, कि वह हमेशा ही शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में एक साल से ज़्यादा रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने लगातार पढ़ा। नंबर सिक्स, आई डजंट वर्क, सॉरी, ही डजंट वर्क एंड सीट्स इन हिज रूम ऑल डे, और वह कुछ भी काम नहीं करता और पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर सीक्रेट ऑफ हिम, शंकर हाउस के बच्चे यहाँ तक कि जो बड़े हैं वो भी उससे डरते हैं। नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। नंबर एट पॉइंट में उसने क्या कहा कि उसके पास कोई भी विजिटर्स, कोई भी गेस्ट नहीं आता, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जो चश्मे में पहनता है, फेयर है, गोरा है, फैट मैन, मोटा है, हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच, जो केवल संडे लंच के लिए उसके पास आता है। नंबर नाइन, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, कि रमेश ही उसके लिए फूड और टी लेकर जाता है नीचे बने रेस्टोरेंट से। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और वह इस बारे में कोई भी केयर नहीं करता कि उसे क्या खाना है। पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, और वह जल्दी ही अपने बिल का भुगतान कर देता और उसे टिप्स भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, और यहाँ पर मेरी लिस्ट का अंत है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ। सेवन, निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, लेकिन निषाद ने मेरी लिस्ट के तथ्यों की ओर ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑल ही कुड से वॉज, उसने केवल यही कहा, पुअर मैन, गरीब आदमी माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, वह बहुत ज़्यादा अकेला है। इफ, यदि ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, यदि उसके कोई भी मित्र नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, एक अपराधी के मित्र कैसे होंगे। इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं लगभग चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ नो फ्रेंड, उसका एक मित्र है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, जो उसे संडे को मिलने के लिए आता है। सैड निषाद, निषाद ने कहा, अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, तभी मेरे पास एक ब्रिलियंट थॉट आई, मेरे दिमाग में आई। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकोम्प्लिस इन क्राइम, कि वह आदमी मिस्टर नाथ के क्राइम में सहपाठी होगा या उसका साथी होगा। आई सेड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन ही गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, कि उन दोनों ने, मे बी ही कीप्स, कि उस व्यक्ति ने सारा लूट का माल रख लिया है। एंड ही कम्स नाउ, और अब वह आता है मिस्टर नाथ के पास ताकि वह अपने पार्टनर को उसका हिस्सा दे सके।
फॉर एक्सपेंसेस खर्च के लिए, दैट सीट यह है, आई एम श्योर आई एम राइट, और मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, यदि तुम उसे क्रिमिनल कहने के लिए जोर दे रही हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, कि मुझे तुम्हारे साथ बात करनी चाहिए इस बारे में। माया सैड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से से कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, कि वह बुरा आदमी कैसे हो सकता है यदि वह रमेश को अपने दयालुता से उसे टिप्स देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश पक्का ही उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, इसलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देते हैं। आई सेड, मैंने कहा, निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मुझे घूरते हुए देखा, विद हिज आर्म्स क्रॉस्ड एक्रॉस हिज चेस्ट, और उसने अपने हाथों से पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं उससे परेशान हो चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पर कैसे काम कर सकते हैं। इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, यदि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे। सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बींग एन एस्केप्ड क्रो, सेड सेवन। सेवन ने कहा, मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम उसे एक भागा हुआ अपराधी कहने के आइडिया को, विचार को छोड़ दोगी। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे लगभग मारा। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड ऑफ, मूर्ख, आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, इन सभी इंक्वायरीज का, जानकारियों का कोई मतलब नहीं है। इफ ही इज नॉट ए क्रूक, यदि वह अपराधी नहीं है। इफ यू थिंक ही इज नोबडी, यदि तुम सोचते हो कि वह कुछ नहीं है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोथरिंग अबाउट हिम, तब उसके बारे में चिंता करने की बात क्या है। प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुली, निषाद विचारों में पड़ गया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन, हमें पता लगाना चाहिए कि वह इतना पतला क्यों है। एंड वाई ही इज सो लोनली, और वह अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, कि उसका कोई मित्र क्यों नहीं और वह अकेला क्यों रहता है। Try to understand, समझने की कोशिश करो। सेवन, I told him, मैंने उसे कहा, if he is lived in Shankar House for a year, वह एक साल से शंकर हाउस में रहता है, and hasn't made a single friend, और उसका एक भी मित्र नहीं है। There is something wrong, कुछ तो गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. स्पष्ट तौर से डरा हुआ है कि यदि किसी ने उसे पहचान लिया तो वह उसे पुलिस को पकड़ा देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, और किसी को भी उसका मित्र बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। निषाद प्रोटेस्ट, निषाद ने विरोध किया। Why should anyone bother? कोई ऐसा क्यों करेगा? You haven't seen what a nasty bear he is. क्या तुमने नहीं देखा कि वह कितना गंदा है? I said, मैंने कहा, I don't care, मुझे चिंता नहीं है। Said निषाद stubbornly.
निषाद ने जिद के साथ कहा, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसके पास जाने की कोशिश करूँगा और उसका मित्र बनूँगा। फ्रेंड्स विद द क्रूक, एक अपराधी का मित्र। हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो सेवन, आई सैड, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी उसके साथ। डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो। यू इडियट, मूर्ख। निषाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मुझे घूरा। एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और मेरी इन सारी थ्योरीज का, इन सभी तथ्यों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। दिस इज अ पार्ट रिटन बाय शारदा द्विवेदी'स बुक द ब्रोकन फ्लूट। वेल स्टूडेंट्स, वी फिनिश द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। What does निषाद find out about Mr. Nath from रमेश? निषाद ने Mr. Nath के बारे में रमेश से क्या जाना? Arrange the information as suggested below, और नीचे जो जानकारी दी गई है उसके बारे में अपने सुझाव दे। What he eats, वह क्या खाता है? When he eats, वह कब खाता है? What he drinks and when, how he pays, और वह क्या पीता है और क्या और कैसे पे करता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक? माया क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है? हु डज शी से द संडे विजिटर इज, और वह संडे विजिटर के बारे में क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर थ्री, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ? क्या निषाद मिस्टर नाथ के बारे में माया से एग्री होता है, सहमत होता है? हाउ डज ही फील अबाउट हिम, और वह उसके बारे में क्या सोचता है? वेल स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड आल्सो लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज योर टुडेज वर्क। थैंक यू।